यू, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए एक्टिव एंड पैसिव वर्ब्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे रूल नंबर सेकंड। कल जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वर्ब्स बना रहे थे तो हमने देखा था रूल नंबर फर्स्ट को अच्छे से समझ लिया था। आज हम रूल नंबर सेकंड को देखते हैं, क्योंकि जो लास्ट वीडियो में हमने रूल नंबर फर्स्ट को समझा था एक ही रूल, आज देखेंगे रूल नंबर सेकंड। तो रूल नंबर सेकंड को पहले नोट कर लेते हैं। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस से एडवाइस का बोध होता है, तो पैसिव वॉइस में, निम्न स्ट्रक्चर से परिवर्तन करेंगे। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में एडवाइस मीन क्या होता है? सलाह, कोई सलाह दी जा रही हो या सलाह का बोध होता हो तो क्या करेंगे? तो पैसिव वॉइस में निम्न स्ट्रक्चर से परिवर्तन करेंगे। तो वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस स्ट्रक्चर से आप परिवर्तन करोगे पैसिव वॉइस बनाते टाइम। तो हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले आएगा पैसिव सब्जेक्ट, शुड बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। मालूम क्या हो, इंपेरेटिव सेंटेंस से किसका बोध हो रहा हो? एडवाइस का बोध होता हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो पैसिव सब्जेक्ट लिखते हैं वो किसको, जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सबसे पहले लेके आएंगे, तो क्या हो जाता है, पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ जाएं। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, हेल्प द हेल्पलेस। एक सेंटेंस हमने एक्टिव वॉइस कर लिया, हेल्प द हेल्पलेस। हेल्प द हेल्पलेस, अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लेके आएंगे, तो क्या बन जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले होगा द हेल्पलेस और उसके बाद शुड बी, तो शुड बी लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैन वर्ब क्या है, हेल्प, तो हम क्या करेंगे, हेल्प की थर्ड फॉर्म लिख दिया, क्या हो जाएगी, हेल्प। हेल्प द हेल्पलेस, पैसिव वॉइस क्या बना, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प। हेल्प
हेल्पनेस इसमें क्या रहा? सलाह दी जा रही है, तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा? सलाह दी जा रही है, तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए सेंटेंस लिया, डोंट इंसल्ट द पुअर। अब इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? पैसिव सब्जेक्ट जो द पुअर है वो सबसे पहले आ जाएगा। द पुअर, उसके बाद शुड बी, लेकिन नेगेटिव वर्ड दे रखा है तो क्या हो जाएगा? द पुअर शुड नॉट बी मेंबर की थर्ड फॉर्म। मेंबर क्या है? इंसल्ट, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? इंसल्ट। ठीक, एक्टिव वॉइस में क्या दे रखा था? डोंट इंसल्ट द पुअर, और इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया? द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। एक सेंटेंस है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, जिसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? योर एल्डर्स। ये क्या ऑब्जेक्ट? ये पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। योर एल्डर्स, और उसके बाद शुड बी का यूज होगा। अब मेंबर की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्ट की क्या हो जाएगी? रिस्पेक्टेड। ठीक, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये था एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। जब चेंज किया तो क्या हो गया? योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं जो कि नेवर से स्टार्ट होता है। चलिए तो एक सेंटेंस लिया हमने एक्टिव वॉइस का, फाइव नंबर का सेंटेंस हमारा, नेवर ट्रस्ट दैट मैन। अब इसको हम चेंज करेंगे, नेवर ट्रस्ट दैट मैन। अब इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया तो सबसे पहले क्या आएगा? दैट मैन, जो कि ऑब्जेक्ट की जगह लिखा है उसको सबसे पहले लेके आएंगे, दैट मैन। अब शुड बी, शुड इसमें नेवर दे रखा है तो इसमें क्या आएगा? नेवर बी। शुड नेगेटिव वर्ड दे रखा है इसमें नेवर, तो नेवर भी लगा देंगे। दैट मैन शुड नेवर बी, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रस्टेड। तो सेंटेंस क्या था हमारा? नेवर ट्रस्ट दैट मैन। अब इसको हमने पैसिव वर्ब में चेंज की तो क्या हो गया? सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट दे रखा था उसको सबसे पहले लेके आए, पैसिव सब्जेक्ट बना दिया दैट मैन। फिर नेवर दे रखा है तो हमने क्या लगा दिया? शुड नेवर बी, अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रस्टेड, दैट मैन शुड नेवर बी ट्रस्टेड। ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। यदि आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आया कि किसी सेंटेंस दे रखा हो या इंपेरेटिव, उसमें आपको ये पता नहीं चल रहा कि ऑर्डर है या एडवाइस है, तो आप क्या करेंगे? तो आप रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकेंड किसी से भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हो, लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए। चलिए तो एक दो सेंटेंस आपको देते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा, लव योर
और नेवर। सेकंड है रिस्पेक्ट योर टीचर। ये कॉल ले लो नेवर वाला, नेवर डिसओबे योर टीचर्स। या टीचर से या कर लो एल्डर्स। तो ये हमारे तीन थ्री सेंटेंस दे रखे हैं, लव लो नेवर, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, और थर्ड दे रखा है नेवर डिसओबे योर एल्डर्स। लव योर नेवर्स को आप बना सकते हैं रेस्पेक्ट योर टीचर्स और नेवर डिसओबे योर एल्डर्स। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि किसमें ऑर्डर है या किसमें एडवाइस, तो आप क्या करेंगे, चाहे रूल नंबर फर्स्ट से बना लेना चाहे रूल नंबर सेकंड से, लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।